बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और क्रंची से साबुदाना कटलेट्स, जिन्हें आप ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। स्पेशली आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो हमारी वो सिस्टर जो फास्ट रख रही हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने 2 टेबलस्पून साबुदाना ले लिया था और इन्हें 3-4 घंटे के लिए हमने सोक कर दिया था अच्छे से, वॉश करके 2-3 बार। और इसका अब हमने एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर दिया है और ये हमने साबुदाना ले लिया। देखिए सॉफ्ट हो गया है, साबुदाने को आप सोक करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा रेडी होगा। और ये हमने ले लिए मूंगफली, तो 1 टेबलस्पून ही हमने ले लिए मूंगफली और इन्हें इस तरह से हमने क्रश कर लिया है। रोस्टेड मूंगफली हमने ले लिए। अब थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची हमने ली हैं थोड़ी थोड़ी। अब ने ली है हमने 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट ले लें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/2 टीस्पून ही हमने लिए है इसमें लाल मिर्चें। अब ये हमने इसमें ली है 1/2 टीस्पून मैगी मसाला मैजिक, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आप ये ना डालना चाहें। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ये हमने मिक्स करके एक साइड रख दिया। और अब हमने ले लिए हैं बॉयल्ड आलू, तो हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, इन्हें भी इस तरह से हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। तो ये देखिए हमने मिक्स कर दिया और अभी हमने इसमें सॉल्ट टेस्ट करा है। इस स्टेज पे आप टेस्ट कर लें और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, सब चीज़ें बैलेंस में हैं और टेस्ट इसका बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्राई करके तो ये और भी मज़ेदार हो जाएगा, क्रंची सा। तो देखिए इस तरह से इसके हम बना लेंगे पैटीज़। बस ये मीडियम साइज़ की बनाएं, बहुत बड़ी बड़ी भी ना बनाएं और ना बहुत छोटी। तो देखिए मीडियम साइज़ की हमने बना ली है और अब हम कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए हमने ऑयल गरम कर लिया है और इसमें बस 2 से 3 पैटीज़ आप एक बार में डालें, क्योंकि इसमें साबुदाना है जो ऑयल में डालने के बाद क्रैक होता है। तो ये देखिए बस 3 पैटीज़ हम एक साथ डालेंगे और फिर इन्हें फ्राई कर लेंगे एक साथ। आप बहुत सारी पैटीज़ इसमें ना डालें। तो ये देखिए एक साइड से गोल्डन हो गया है और इन्हें भी हम गोल्डन करके अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में बनाएं, चाय के साथ इंजॉय करें, बहुत अच्छी लगती हैं, या आप शाम की चाय के साथ बना लें, अच्छा ऑप्शन है बहुत, और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, क्रंची सी। और अब हम इसी तरह से सारे बैचेस फ्राई करके और निकाल लेंगे। ये देखिए हम डाल देंगे इसमें और आपको हीट नॉर्मल रखनी है बस। ये देखिए अब हमने एक प्लेटर ले लिया है और इसमें निकाल ली हमने ग्रीन चटनी, बहुत मज़ेदार सी हमने चटनी बनाई थी धनिया पुदीने और टमाटर की, इसमें हम लगा लेंगे ये। और ये चटनी के साथ ही कटलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, या आप इसके साथ टोमेटो सॉस भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने लगा लिए हैं, कितनी जल्दी रेडी हो गए और थोड़े से सामान के साथ ही रेडी हो गए। अगर आपको कोई चीज़ इसमें स्किप करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए हम आपको एक दिखाते हैं कि अंदर तक से कितनी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और बाहर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, तो ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।